हाय दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका भाई फिर आप लोग के लिए एक नया वीजा नई कंट्री के साथ लेके आया। ये वीजा कुवैत का है। इसके बारे में जानने के लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, बीच में वीडियो स्किप ना करें। अगर बीच में वीडियो स्किप करेंगे तो आप लोग को फुल डिटेल पता नहीं चलेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, भाई सपोर्ट करें। आप लोग के लिए डेली नया नया वैकेंसी लेके आता, नई नई कंट्री के साथ लेके आता हूँ भाई। हर एक कंट्री का मैं वीडियो बनाता हूँ भाई। जो भी ऑफिस के थ्रू वीजा मेरे ऊपर आता है मैं उसका वीडियो बनाता हूँ, और मेरे ऑफिस के थ्रू जो वीजा आता है मैं उसका भी वीडियो बनाता हूँ। तो भाई ये जो वीजा आया है मेरे थ्रू नहीं, ये मीना के अंदर भी वीजा मीना ऑफिस है, उसका मैं वीडियो बहुत बहुत सा बना चुका हूँ। बहुत से बंदे मेरे से उसका एड्रेस भी लिए, मेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर सब कुछ मैं उनको दिया हूँ। क्योंकि अभी फीफा वर्ल्ड कप का जो वीजा आया है उसमें बहुत से बंदे हमसे लिए हैं, उसका ईमेल आईडी अप्लाई किए हैं वो लोग, तो इनके थ्रू आया है वीजा। ये वीजा बहुत अच्छा है भाई। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या क्या वैकेंसी है, किस चीज़ का वीज़ा है? ये वीज़ा है भाई कुवैत का, फॉर अ लीडिंग मल्टी नेशनल कंपनी, वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक डिवीजन, क्लाइंट इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट इन प्रोग्रेस। मतलब इसका ये है भाई कि मतलब आप लोग इनकी ईमेल आईडी पे अपना मेल भेजेंगे तो बाद में ये लोग आपकी सीवी देख के शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो वही बंदे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं होगा। और इसकी इसमें जो क्या क्या पोजीशन है वो पोजीशन के बारे में आप लोग सुन लीजिए। वेयर हाउस कोऑर्डिनेटर, ग्रेजुएट, गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड राइट इंग्लिश, कंप्यूटर लिटरेट, ईमेल एमएस ऑफिस। मतलब एमएस ऑफिस की जानकारी होना चाहिए इनको, और कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और स्पोकन इंग्लिश इनको मालूम होना चाहिए, लिखना पढ़ना मालूम है, बोलना भी मालूम होना चाहिए। वेयर हाउस, दूसरी वैकेंसी है वेयर हाउस स्टोर कीपर, एटलीस्ट हाई स्कूल और डिप्लोमा ग्रेजुएट। मतलब इसके अंदर हाई स्कूल चाहिए, ग्रेजुएट बंदा होना चाहिए, और हाई स्कूल भी चलेगा इसके अंदर, दोनों कंडीशन है, हाई स्कूल या डिप्लोमा। कोल्ड स्टोरेज FMCG रिटेल वेयर हाउसिंग एक्सपीरियंस इज प्रीफेड, गुड कम्युनिकेशन स्किल। और तीसरा है भाई वेयर हाउस लेबर, स्टोर लेबर, एटलीस्ट हाई स्कूल, गुड कम्युनिकेशन स्किल। मतलब इसके अंदर जो है ना वेयर हाउस लेबर, स्टोर हेल्पर, स्टोर लेबर दोनों इसके अंदर मांगा है। और तीसरा है लोडिंग अनलोडिंग लेबर, एटलीस्ट हाई स्कूल, गुड कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर तीनों चीज के अंदर भाई हाई स्कूल मांगा है, ये वेयर हाउस लेबर हेल्पर भी मांगा है, और लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी मांगा है, दोनों चीज इसके अंदर। तो जो बंदे जिसमें जाना चाहे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीजा जो है कुवैत का है भाई, इसकी सैलरी मेंशन नहीं की, क्योंकि ऑफिस का जो भी वीजा आता है ना भाई उसकी सैलरी बहुत कम मेंशन करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप लोग जब आप लोगों का क्लाइंट इंटरव्यू होगा उसी समय आप लोगों को बताया जाता है, क्लाइंट खुद बताता है कि हाँ आपको इतनी सैलरी हम लोग दे रहे हैं, आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर वो लोग साइन करते हैं कि हाँ ठीक है ये बंदा एक्सेप्ट किया, तो वो लोग उसी समय पेपर पे साइन कर देते हैं हाँ ये बंदा हमको चाहिए, तो वहीं पे वो लोग बताते हैं सैलरी के बारे में। तो इसके लिए ऑफिस वाले मेंशन नहीं करते हैं सैलरी। तो ये वीजा जो है ना बहुत अच्छी कंपनी का, लॉजिस्टिक कंपनी है भाई कुवैत की, बहुत अच्छी कंपनी का ये वीजा आया है। आप लोग जो भी अप्लाई करना चाहते हैं भाई ऑफिस के थ्रू ये लोग अप्लाई कर सकते हैं आराम से। इसके अंदर पैसा भी आप लोग का बहुत कम लगेगा, और अच्छी कंपनी में भी आप चले जाएंगे, एक बार अच्छी कंपनी में चलेगा तो फिर आप लोग की लाइफ सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एजेंट के चक्कर में पढ़ने में यही होता है कि थोड़ा कभी अच्छा वीज़ा मिलता है, कभी ख़राब भी मिल जाता है, ऐसी कोई वो नहीं होता कि एजेंट, सब एजेंट के थ्रू खराब ही वीज़ा मिलता है, उसमें भी अच्छा आता है। तो जैसा जो होता है, जो जैसा करता है भाई, जैसा जिसको बात होती है वैसा सही, अगर कोई एजेंट अच्छा सही बताते सही होता है, अगर कुछ बढ़ा चढ़ा कुछ तो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं लोग भाई, सबको कुछ कमाना है दमाना है भाई, इसके थ्रू जाने में क्या फ़ायदा होता है ना भाई, कोई इसमें बताने वाला कोई सिस्टम नहीं होता, मगर इसके अंदर भी एजेंट घुसे हैं पड़े हैं, इसी बात नहीं कि आप इसमें एजेंट नहीं मिलेंगे आप लोगों को, वो भी अपना अपना काम ऊपर से कराते रहते हैं। तो इसके लिए आप लोग को इसमें मेल करेंगे तो आप लोग का शॉर्टलिस्ट करेंगे, सीवी देख के वो लोग सिलेक्ट करते हैं हाँ ये बंदा जाने वाला अच्छा है, इसका क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, इसके पास सीवी अच्छी है इसकी, तो वो लोग सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे तो फिर आप लोग का आगे इंटरव्यू होगा, क्लाइंट इंटरव्यू होगा। क्लाइंट इंटरव्यू में आप लोग अगर सिलेक्ट हो गए तो वहीं पर आप लोग को सैलरी और कितना पैसा चार्ज तो ऑफिस वाले बताएंगे, मगर वो लोग सैलरी वो लोग मेंशन कर देते हैं इतनी सैलरी मिलेगी आप लोग को, तो आप लोग को वो लोग सैलरी बता देंगे, आप लोग को फिर चार्ज ऑफिस वाले बताएंगे, ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा भाई इसके अंदर। बस यही है कि आप लोग इसके अंदर इंटरव्यू में बस निकल जाए, अगर इंटरव्यू पास कर लेंगे तो आप लोग का काम हो जाएगा। तो लेबर बंदे भी जो हैं हाई स्कूल पास जो लड़के हैं वो लोग भी इसमें के अंदर अच्छा चांस है उन लोग के लिए भी जाने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग का भी काम है, और ये वेयर हाउस हेल्पर का भी है।
तो इसके अंदर भाई थोड़ा मेहनत का काम हो सकता है, मगर यही है कि अंदर ही का काम होगा, बाहर काम नहीं होगा, और सैलरी अच्छी मिलेगी और कंपनी का रहेगा तो सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छी प्रोवाइडेड की जाएगी। आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए इसके अंदर अप्लाई करिए और मेरे नंबर पे SMS करिए, मैं आप लोग को इनकी फुल डिटेल दे दूंगा, इनका ईमेल ID, इनका व्हाट्सअप नंबर सब कुछ आप लोग को मैं दे दूंगा, आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं। और जो बंदे नहीं कर सकते तो मेरे मेरे ऊपर भी CV सेंड कर, मैं भी इनके ऊपर ईमेल ID पे मैं भी सकता हूँ। तो आप लोग को जो कंडीशन में जो आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप लोग खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग खुद से अप्लाई कर ले सकते हैं। हम वो आपको इस इनका ईमेल ID और इनका व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप लोग इस इनके ऊपर अपना PDF फाइल में बना के, पूरा बायोडाटा PDF फाइल में बना के आप लोग जाके कंप्यूटर की दुकान पे, अपने से नहीं कर सकते जाके कोई कंप्यूटर की दुकान पे आप लोग इसमें ईमेल ID पे मेल करा लीजिए, फिर अपना आदमी फिर बाद में अपने आपकी ईमेल ID पे रिप्लाई आएगा, जैसा होता है फिर आगे आप लोग उसका वॉइस। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, फिर कल मैं एक नया वीडियो नई वैकेंसी नई कंट्री के साथ लेके आता हूँ। भाई जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, उन लोग सपोर्ट करें मेरे वीडियो को और लाइक करें सब्सक्राइब करें। और भाई एक और वैकेंसी है मलेशिया का, मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ, जो भी बंदे उसमें जाने के लिए इंटरेस्टेड है वो बंदे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1500 तक सैलरी है भाई, खेती बाड़ी वाला काम है और उसके अंदर क्या है सैलरी अच्छी है, ओवर टाइम उसके अंदर मिलता है भाई, उसके अंदर कन्फर्म ओवर टाइम मिलता है, 2000 तक सैलरी अच्छा पैसा कमा सकता है भाई, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। उसका चार्ज 80,000 है भाई। जो भी बंदे जाने वाले इंटरेस्टेड हैं वो मेरे नंबर पे SMS करें, उसका वीजा रेडी है उसका भाई, 1 महीना टाइम लगेगा, 1 महीने के अंदर अंदर आपके लोग की फ्लाइट उलट सब हो जाएगी। इम्प्लॉयड वीजा है, 2 साल का एम्प्लॉयड वीजा है भाई, वो जो भी इंटरेस्टेड बंदे हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ओके बाय।